मोमो का नाम लेते ही आज के युवाओं के मुंह में पानी आ जाता है। ये मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, इसलिए इस बिजनेस में आने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज इस बिजनेस के बारे में आप कुछ जानकारी देंगे। मोमोज का बिजनेस कहां से शुरू किया जाए? मोमोज का बिजनेस उस जगह चल सकता है जहां पर युवाओं की भीड़ सबसे अधिक आती जाती हो, जैसे मेट्रो स्टेशन, सिटी बस स्टेशन, कॉलेज, हॉस्टल, शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, पार्क और मनोरंजन केंद्र, एजुकेशन हब, बड़े होटल और रेस्टोरेंट के पास, बड़ी बड़ी कैंटीन्स और होटल के पास। कितनी तरह के मोमोज बनाए जा सकते हैं? मोमोज की अनेक वैरायटीज हैं, ये वेज और नॉन वेज दोनों ही बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में कितनी तरह के मोमोज युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, उनमें से कुछ इस तरह से हैं। स्टीम मोमोज, फ्राइड मोमोज, तंदूरी मोमोज, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, सोयाबीन मोमोज, गोभी पत्ता गोभी मोमोज। मोमो बनाने की विधि। मोमोज के साथ दो तरह की चटनी बनाई जाती है, एक टमाटर और लाल मिर्च से मिलाकर मसाले डालकर बनाई जाती है। आलू दूध क्रीम के मसालों से बनाई जाने वाली चटनी को मेयोनीज कहते हैं। मोमोज की दूसरी तरह की चटनी और अचार से भी खाया जाता है। मोमोज को मैदे से बनाया जाता है। मैदे को अच्छे से गूंथ लें, उनकी छोटी छोटी लोई यानी पेड़े बनाकर पूरी की तरह पतला पतला बेल लिया जाता है। फिर उसे अपनी मनपसंद सब्जी और सोयाबीन को मिलाकर फ्राई करके एक पिट्ठी बना ली जाती है। इस पूड़ी में इस पिट्ठी को भरकर एक बर्तन में पानी चढ़ाकर उस पर चलनी नुमा कटोरे में तेल लगाकर ये भरे हुए मोमोज रख दिए जाते हैं और उसको 15 से 20 मिनट बाद उतार कर चटनी के साथ खाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में केवल मोमोज को भरने और उसको बंद करने में ही काफी दिक्कतें आती हैं, जो प्रैक्टिस से आसान हो जाती हैं। इन मोमोज को फ्राई भी किया जा सकता है, तंदूर में भी इन्हें पकाया जा सकता है। मोमोज बनाने के काम आने वाले उपकरण: गैस स्टोव, दो कढ़ाई, चमचे, मिक्सर ग्राइंडर, एक भगोना, छलनी, चटनी रखने के लिए बर्तन, डिस्पोजल प्लेट, डिस्पोजल दोने, डिस्पोजल ग्लास। मोमोज बनाने के लिए रॉ मटेरियल: चटनी के लिए कच्चा माल, टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन, नमक, चाइनीज नमक, मैगी मसाला, मोमो मसाला, चीनी, शुगर, पिट्ठी के लिए पत्ता गोभी, हरा धनिया, प्याज, अदरक, गाजर, लहसुन, सोयाबीन, नॉन वेज के लिए चिकन मसाले, दखनी मिर्च, पीली मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, मैगी मसाला, मोमोज के लिए मैदा, नमक, फैट्स। कैसे शुरू करेंगे बिजनेस? अपने प्रतिद्वंदी पर पूरी नजर रखें, उसकी कमियों को ध्यान में रखकर आप ग्राहक को वो देने का प्रयास करें जो आपका प्रतिद्वंदी नहीं दे रहा है। आप अपना प्रॉफिट और लॉस का हिसाब लगाकर कॉम्पिटिटर से थोड़े कम रेट पर अपना माल बेचें। इससे कुछ ग्राहक आपकी और आने का प्रयास करेंगे। जब ग्राहक आए तो उन्हें अच्छी तरह से डील करके उसका विश्वास जीतने की कोशिश करें। इसके अलावा आप जब भी अपना बिजनेस शुरू करें तो आप अपनी दुकान का प्रचार करें। दुकान या स्टॉल का शुभारंभ भी कुछ नए अंदाज से करें ताकि लोगों की नजरें आप पर पड़ें और आप उसका फायदा उठाएं। कौन कौन से लाइसेंस चाहिए? आपको बिजनेस शुरू करने के लिए एक लाइसेंस लेना होगा, वो लोकल बॉडी, नगर निगम या नगर पालिका और ग्राम पंचायत से फूड लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो इस विभाग के कर्मचारी आपको परेशान कर सकते हैं। FSSAI से भी फूड लाइसेंस लेना होगा, बाकी अन्य लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बिजनेस बढ़ने के बाद लेने पर विचार करें। लागत कितनी आएगी? मोमोज के बिजनेस में लागत कच्चा माल और बनाने के काम आने वाले उपकरणों पर लगती है, लेकिन सबसे अधिक लागत आपको अपने स्टॉल या ठेला को सजाने के लिए लगती है। युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काउंटर और ठेले को सजाने पर खर्च करना पड़ता है। ये जानकार व्यक्ति के अनुसार ठेला तो आपको 10,000 रुपए में मिल सकता है, लेकिन उसकी सजावट पर 50,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा मोमो बनाने के लिए बर्तन, गैस, मिक्सर ग्राइंडर, कच्चा माल आदि पर खर्च करना होता है। इस तरह से इस बिजनेस में 2 लाख से 3 लाख रुपए तक की लागत आ सकती है। मुनाफा कितना मिल सकता है? मुनाफे के बारे में आप चौंक सकते हैं। मुनाफा ही इस बिजनेस का सबसे अधिक आकर्षण है, इसलिए मोमोज के स्टॉल की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार इस बिजनेस में मुनाफा 60-70% या इससे भी अधिक मिलता है। इस बिजनेस से जुड़े एक अनुभवी जानकार के अनुसार एक मोमोज की कुल लागत 1 रुपए से 1.5 रुपए के बीच आती है। स्टॉल पर ये 1 मोमोज 3 रुपए तक बेचा जाता है। वैसे एक दुकानदार कम से कम 500 मोमोज बेचता है। यदि बाजार में मंदी हो तो वो दुकानदार 200 मोमोज तो बेच ही लेता है। यदि आप रोजाना के 200 मोमोज भी बेचते हैं
एक मोमो पर 150-2 रुपए तक बचत हो जाएगी। यदि आप रोजाना के 200 मोमोज की बिक्री को मान लें तो एक दुकानदार को 200 मोमोज पर रोजाना 3500 रुपए की आमदनी होती है। यदि इसे 3000 भी मान लिया जाए तो एक मोमो विक्रेता प्रति माह 60,000 रुपए कमाता है। ये तो हुई नए विक्रेता की बात। जो 10-10 साल से स्टॉल लगाए हुए हैं, जहां लाइन लगकर लोग मोमोज खरीदते हैं, वहां तो एक महीने में 2 लाख से अधिक की कमाई होती है। अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं? आप अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन बिजनेस के साथ ऑनलाइन बिजनेस का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा अपने पैम्फलेट, पोस्टर, पर्ची आदि का वितरण उन क्षेत्रों में करवाएं जहां पर आपके संभावित ग्राहक रहते हों। इसके अलावा आप गूगल माई बिजनेस में अपनी फर्म का डिटेल दे दें तो उससे भी ग्राहक आपको मिल सकते हैं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।